पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हम हथियार उठाने को है तैयार, पूर्व सैनिक। नागौर, मकराना उपखंड क्षेत्र के कस्बा बोरावर में स्थित रामपाल चुन्नीलाल औषधालय परिसर में कारगिल शहीद वीर चक्र मेमोरियल सोसाइटी बोरावर की एक बैठक सोसाइटी के अध्यक्ष नारायण सिंह खेड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 42 सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। वह भारत सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने का आग्रह किया गया और साथ ही पूर्व सैनिकों ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर वार करता है तो हथियार उठाने को हम भी तैयार हैं। आयोजित बैठक में पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया, जैसे ECHS कार्ड के लिए फार्म भरना, कैंटीन कार्ड बनाना, पेंशन विसंगतियां दूर करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखे गए। बैठक में सोसाइटी का स्थायी कार्यालय खोलने सहित विभिन्न राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं से भी अवगत करवाया। इस मौके पर सोसाइटी के संरक्षक कर्नल भागीरथ सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष रूपाराम घसवा, पूर्व सैनिक मेवाराम, पन्नाराम गोदारा, मदन सिंह खींची सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद थे। मकराना से जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है ये बहुत ही निंदनीय और कायरतापूर्ण एक्शन है पाकिस्तान की तरफ से, और पहले भी हमने इसका विरोध किया है, अभी भी विरोध करते हैं। और हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी चाहे आर्मी के हो, चाहे BSF के हो, चाहे CRPF के हो, सब लोग एक मुश्त होकर ये चाहते हैं कि इसका बदला हर हालत में लिया जाए। और आज की तारीख में जो हमारी गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो बहुत खूब तरीके से कार्रवाई कर रही है उस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो एक्शन लिया गया है वो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया ले रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे सैनिक जो भी हैं, वो हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा है, उसको वापस कब्जे में किया जाए। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। और हमारे वीर सैनिक जो हैं, अभी रिटायर्ड हैं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के सब, वो ये चाहते हैं कि जब भी अगर कोई वार होती है तो हमें आप मौका दो, हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे और दुश्मन को दो दो हाथ दिखाएंगे। ये हमारी